हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और आप लोग को आज एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। जैसा कि एसी आप लोग जानते ही हो, विंडो स्प्लिट, वोल्टास कंपनी, एलजी कंपनी, हिटाची वगैरह जितने भी इंडिया में कंपनी चलता है, लमसम आप लोग जानते हैं। लेकिन आज आप लोग को दिखाऊंगा जो कि बॉडी तो है गोदरेज का, ठीक है, और रिमोट है गोदरेज का, लेकिन जो कंपनी का जो एसी जो है, मतलब कि जो एसी पे लिखा हुआ है, वो है कुछ लोगो अलग कंपनी, ठीक है। इसी का लोगो और आपको दिखा दूं सबसे पहले ये रिमोट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये गोदरेज का है, जो कि पावरपूल के नाम से जो गोदरेज को जो असेंबल करके देती है वो कंपनी है। जैसा कि हम लोग को भी पता है, जहाँ तक अब पीछे का क्या है हम लोग को नहीं पता। तो ये कोई भी स्पेयर पार वगैरह पे जो है ये इंडोर मिल जाता है, जैसा कि हम लोग यूज करते हैं किसी का, कोई भी कंपनी का एसी हो, लेकिन नॉन इन्वर्टर होना चाहिए उसमें। ये एसी इंडोर मतलब कि फिट हो सकता है बड़े आराम से। और एक जो एसी आया मैं यहाँ पे सर्विस करने के लिए, तो इनको ये एसी लमसम 2 साल लिए हो गया। भैया कितना साल हो गया? ये 2 साल हो गए 2 साल एसी हो गए इनको लिए हुए, और इन्होंने वोल्टा समझ के लिए थे, ठीक जी, है, वोल्टा समझ के। वोल्टा समझ के लिए थे। और इनका जो बॉडी है हूबहू जो है गोदरेज का है, मतलब कि जो पावरफुल बनाती है। तो आपको दिखाना भी चाहूँगा, अगर शायद मैं वो वोल्टा हटा दूँ तो आप कहेंगे पावरफुल का ही एसी है ये, ठीक है। तो पहले मैं आपको वो एसी दिखाता हूँ, वोल्टास हटा दूंगा, सिर्फ पहले एसी दिखाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सी कंपनी का एसी है ये। मैं आप लोगों को एसी दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये पावरपूल का एसी है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये होता है जो आपको डबल स्विंग में, इसमें जो अंदर भी ऑटोमेटिक होता है, और जिसका मेन स्विंग है वो भी ऑटोमेटिक है, और ये भी पावरफुल में है, ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मतलब कि पावरफुल का है नहीं, इसके ऊपर कोई भी पावरफुल का मतलब कि लिखा हुआ है नहीं। बिल पे भी, भैया बिल पे क्या लिखा हुआ है इसका? वोल्टास है, ठीक है। और इसका जो बॉडी है, जो बॉडी पे इसके जो लोगो बना हुआ है वो है वोल्टास। ये मैं नहीं लिखा हूँ, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, इसका स्टिकर भी दिखा देता हूँ, इस पर भी लिखा हुआ है वोल्टास, ठीक है। 5 स्टार एसी है ये, और आपको इस पर रेटिंग भी दिख जाएगा। ये देखिए कूलिंग कैपेसिटी जो है इसका है, मैं भी वीडियो में देख रहा हूँ, 4960 है, ठीक है। पावर कंजम्पशन जो है वो है 1413, मतलब समझ गए ना वाट है। तो ये देखिए आप लोग खुद बताइए ये वोल्टास है या पावरकूल है, कंफ्यूज कर दिया ये एसी ने मुझे। मैं सोचा कि इसका वीडियो बना लूँ, आप लोग सही बताएंगे क्या वोल्टास भी ये बॉडी में बनाना चालू कर दिया है, मुझे नहीं पता, मैं पहली बार देखा हूँ। अब आपको आउटडोर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए गैलरी में जो है ये लगा हुआ है, आपको भी दिखाने। और ये देखिए वोल्टास का है, यहाँ देखिए जो लोगो बना हुआ है वोल्टास का, और फर्स्ट क्लास कूलिंग हो रहा है, कूलिंग में कोई कमी नहीं है, फर्स्ट क्लास एसी है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। मुझे कन्फ्यूजन था इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। जो कंडेंसर कॉइल है ये कॉपर का है, बढ़िया है। यहाँ सर्विस करने के लिए आया था, और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग भी हमें कमेंट करके बताएं। क्या पहले ये जानकारी आपको पता था कि पावरपूल में वोल्टास का जो एसी है आने लग गया है? मुझे नहीं पता था, आप लोग सही सही बताएंगे। तो भैया मैं आपका एसी सर्विस करने के लिए आया हूँ, कैसा लगा आपको मेरा काम? बहुत बढ़िया लगा, और पहले से भी बहुत अच्छा कूलिंग हो रहा है। सही बताओ। जी, बहुत अच्छा बढ़िया हो अच्छा रहा है कूलिंग। ठीक है, तो चलो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और समय में। जब तक के लिए ओके, बाय बाय।